ग्रेटर नोएडा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बीती रात एक कार ने तीन छात्रों को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें दो छात्राओं को हल्की चोटें आई हैं, जबकि एक बिहार की रहने वाली छात्रा स्वाति नाम की छात्रा के सर में गहरी चोट लगी है, जो कि ग्रेटर नोएडा में एक निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। वहीं घायल छात्रा के कॉलेज के दोस्त ही इलाज कराने के लिए उसे डोनेशन का बीड़ा उठाया है और इस मामले में पुलिस ने लेट लतीफी करते हुए FIR दर्ज कर जाँच में जुटी है। आशीर्वाद मनी त्रिपाठी। आशीर्वाद जी, आपकी फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ है, कैसे हुआ जरा बताएंगे, क्या हालत है उनकी, किस तरीके से आप उनके लिए फंड जमा कर रहे हैं? सर, वो 31st के नाइट वो अपने घर से 9 बजे के करीब निकली थी और वो जा रही थी सड़क में, सर्विस लाइन थे डेल्टा के पास, उन लोग को पीछे से एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दिया। तीन फ्रेंड थे जिसमें स्वीटी कुमारी जो है वो सीरियस इंजर्ड है, कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती है। उनकी बैकग्राउंड जो है एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, उनके फैमिली के पास ऐसे पैसे भी नहीं है कि वो सही से वो अपने घर से यहाँ पे आ जाए, उनके लिए हम स्टूडेंट के तरफ से फंड कलेक्ट कर रहे हैं। कि ब्रेड में चोट तो अभी तो बेहोश है, हम कब बताएं? तो आपको कब पता चला, क्या कैसे जानकारी हुई? हम लोग का 11 बजे यहाँ से फोन गया, 7 बजे बात हुआ था उससे, तो बताया कि आंसी से है, मम्मी अभी रूम में है, खाना वाना बनाने जो सब सब्जी लाने जाएंगे, ठीक बेटा संभाल के जाना। तो फिर जखनी से हम बात उठी ना कि हम अपना घर में लोग गए हैं, तब फिर 11 बजे एकदम रात में गया फोन उठाया, तो कोई आदमी बोले स्वीटी का घर कहा है, तब कहते हाँ स्वीटी का ऐसा बात।